इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा द्वारा भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष व चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे सहित वरिष्ठ कांग्रेसी स्थानीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा और जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के द्वारा संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मैं आज के दिवस में महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर चल रही है और ग्राम स्वराजी अभियान की जो शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की है उस अभियान को निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस प्रकार से सेवाग्राम वर्धा में बना है माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से 3 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के हाथों से सेवाग्राम के रूप में भी छत्तीसगढ़ की पहचान बन रही है तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर हम लोग लगातार चलते रहेंगे। AICC के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में चीफ इनरोलर जितने भी हमारे जोन प्रभारी हैं उनको चीफ इनरोलर बनाया जा रहा है। उसके बाद सभी बूथ स्तर में एक महिला और एक पुरुष को वहां पर प्रभारी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत 31 तारीख से हमारे दुर्ग के राजीव भवन में संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, चंदन यादव जी ICC के सचिव और सप्तगिरी शंकर उल्का जी की उपस्थिति में पूरे संभाग के सभी जोन प्रभारी 31 तारीख को उपस्थित रहेंगे और 31 तारीख से ही हमारे दुर्ग जिला और दुर्ग संभाग में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी।